अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपसे जो है कि MGT 301 का जो है वो पेपर शेयर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो पेपर है यहाँ से आता है, बच्चे बता रहे थे। तो थीम नंबर हम 7 से स्टार्ट करेंगे क्विज, और उसके बाद जितनी भी 13 तक थीम है या 12 तक थीम है उसके क्वेश्चन हम इसके अंदर क्लोज करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इससे ये है कि मैं आप लोगों को इधर से स्टडी नहीं करूँगा, पढ़ूँगा नहीं, आपने खुद पढ़ते जाना है, स्क्रीनशॉट लेते जाना है, अपने पास रख लीजिए। बिल्कुल करेक्ट, 100% करेक्ट जवाब हैं। तो मैंने इसका तरीकाकार भी बताया था कि आप अपने जो है कि इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन क्विज नंबर 1 इसको स्टडी करें भाई आप लोग, ठीक है। इसके बाद इस तरह से मैं नीचे क्विज फिर दूसरा शो करूँगा, इस तरह से क्विज नंबर 2 आप इसकी स्टडी कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने इनके आंसर भी लगाए हुए हैं और ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं, ये रॉन्ग आंसर नहीं है। अच्छा, इसके अंदर प्रोसेस ऑफ द डिवाइड्स लार्ज, तो इसके अंदर जो लार्ज मार्केट है ये स्मॉल टू मार्केटर, तो इसमें जो आता है मार्केटर जो होता है सेगमेंटेशंस होती है मार्केटर के पास, तो इसका जवाब जो है सी ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्विज नंबर 2 पे। तो विच इज़ द फॉलोइंग्स क्लोज ऑफ द बायर ऑफ द शेयर कॉमन नीड करेक्टिस्ट द कंपनी डिसाइड टू द सर्वस, तो इसका ऑप्शन जो है आपके पास सी ठीक है। इसको भी आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। असल में मैंने इसके ऊपर वर्क करना था, उर्दू में भी इसको कन्वर्ट करना था, टाइम शॉर्ट था, तो बच्चे काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप MGT 301 की जो चीज़ें हैं वो शेयर करें, इंपॉर्टेंट MCQs जो हैं वो शेयर करें। तो इसलिए फिर मैंने जो है कि इंपॉर्टेंट MCQs उसके देखें मेहनत करके स्ट्रगल करके आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो इसके अंदर नेक्स्ट देखें द प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है वो क्या है, और इसके बाद जो जो कंज्यूमर होता है मिड ऑफ द रिलेटिव्स ऑफ द कंप्लीटिंग प्रोडक्ट्स, तो इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं। तो इसके अंदर आती है जो आपकी देखें अगर, तो इसका ऑप्शन जो है ये ठीक है, और इधर साथ में बताया भी हुआ है जब जो ऑप्शन ठीक है वहाँ पे कंग्रेचुलेशन भी लगा हुआ है किसी किसी जो है कि थीम पे। नेक्स्ट क्विज नंबर 4 देखें, इसको खुद स्टडी करें एक दफ़ा क्या लिखा हुआ है, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। जी नेक्स्ट क्विज स्टडी करें भाई। मैक्सिमम, अच्छा विच इज द फॉलोइंग्स जो है फुल मैक्स जो बेनिफिट्स अप विच इज द ब्रांड, तो बट इसका जो ऑप्शन आएगा वैल्यू, ये सी वाला ऑप्शन ठीक है आपका। जी डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऑप्शन, जी नेक्स्ट क्विज इसका ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस सारे के सारे इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी नेक्स्ट चलते हैं, ये देखें
जी डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें 7 वाला। जी, ये 7वां मुकम्मल हो गया, इसके बाद 8वां देखें। इन डैश ए फ्रेम गोज टू आफ्टर लार्ज शेयर वन और फ्यू सेगमेंट्स। सेगमेंट्स मीन के इसके अंदर क्या आएगा, एन आई सी एच मार्केटिंग, इसका ऑप्शन जो है ए ठीक है। जी डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्विज पढ़ें। जी नेक्स्ट क्विज ये स्टडी करें, क्विज नंबर 10। जी डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्विज जो है ये रीड आउट करें। अगली थीम का आ गया, थीम नंबर जो 8 है आपका, उसका क्विज है, ठीक है। इसके सारे ऑप्शन ठीक है। फैक्टर्स ऑफ द शुड कंसीडर वाइल दिस जो आपके हो रही है सेगमेंटिंग हो रही है, तो इंटरनेशनल पे तो इसको भी आप लोगों ने देख लेना है, मार्केट पे तो वो इसमें सारी चीज़ें आ जाती, इकोनॉमिकली भी होती है, उसके बाद जो है सिटी में भी जो पब्लिक सिटीज़ होती हैं या इनकी जो है फैक्टर्स होते हैं, तो लिहाजा इसमें सारे फैक्टर्स मौजूद हैं, तो गिवन ऑफ ऑल ऑप्शन विच इज़ द फॉलोइंग्स द जो आप कर लें कंसीडर कर लें, ठीक है। तो इसकी जो प्रोवाइड बस प्रोडक्ट्स, तो इसकी जो अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन जो है सी ठीक है, और बिल्कुल 100% ये क्विज जो हैं ठीक हैं आपके। सिक्योर प्रोडक्ट, SORE प्रोडक्ट।
GTA स्टूडेंट्स कॉल आ गई थी इसलिए मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, माजरत। और आप जो थे क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे या नहीं? जब मैं ही पढ़ाऊँ आके, पढ़ रहे थे तो फिर तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे थे तो फिर तो बुरी बात है ना। क्विज नंबर जो है 6, इसके बाद जो है आप 7 देखें, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसकी स्टेटमेंट्स थोड़ी सी बड़ी हैं, जूम मैं नहीं कर सकता, आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़नी है। जी डी एस नेक्स्ट क्विज पढ़ते हैं हम। जी इसके बाद नेक्स्ट क्विज देखें। जी इसके बाद ये वाला क्विज पढ़ें भाई, क्वीज नंबर 11। इसके 31 क्वीज हैं, इसमें से ज़्यादा पेपर आता है। थीम जो है 11 to 21 जो है ना, मतलब थीम नंबर जो है 8 है और इसके आपके जो क्वीज हैं वो 31 हैं। सुम करने की ट्राई की लेकिन हुआ नहीं। जी नेक्स्ट क्विज ये वाला पढ़े हुए। जी डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्विज ये वाला ही प्रैक्टिस करें। इसके बाद नेक्स्ट क्विज जो है इसकी स्टडी करें, क्विज नंबर 14। इसके बाद नेक्स्ट क्विज पढ़ें भाई। जी डी स्टूडेंट्स सेम
यही क्विज है, इसी तरह से ये भी डिस्कस कर लें, पढ़ लें अच्छी तरह से इसको भी। इस तरह से ये क्विज आप स्टडी करें। जी डियर फ्रेंड्स, ये थीम थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा जो टाइम लग रहा है और इसलिए आपके जो क्विज़ हैं और लंबे लंबे हो रहे हैं, ये वाला स्टडी करें। जी अब ये वाला स्टडी करें। जी डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये वाला क्विज देखें। जी डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये वाला क्विज ओपन जो हुआ है। अब नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह थीम दूसरी वीडियो में शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब आपसे लेंगे इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।